यशाया 40 उसका 29। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आज दिन के समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर इस वचन को मैं उनके जीवन में अनाउंस्ड करती हूँ पिता। इस वचन को अनाउंस करते हुए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन लोगों के लिए प्रभु, जो पिता अपने जीवन में प्रभु जी हताश हो गए हैं पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में प्रभु जी थक चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो अपने काम काज से प्रभु थक चुके हैं, प्रभु हार गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदावन कि प्रभु आप उन्हें एक नया बल दीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर एक नई सामर्थ प्रभु आप उन्हें दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ सच में मेरे प्रभु, आप प्रभु उन लोगों की प्रभु मदद करें प्रभु, जो लोग प्रभु अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं प्रभु, जो अपने आप को कम आंकते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु परमेश्वर आप उन्हें नई सामर्थ से भरे प्रभु। आप सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, आप महान परमेश्वर है पिता। आप प्रभु जी जो लोग परिश्रम करते हैं प्रभु आप उन्हें विश्राम देते हैं प्रभु। प्रभु जो अपने कारोबार से थक चुके हैं, अपने जीवन की परेशानियों में थक चुके हैं प्रभु, अपनी बीमारियों से थक चुके हैं प्रभु, अपने रिलेशनशिप में थक चुके हैं परमेश्वर, आप प्रभु उन्हें प्रभु परमेश्वर नया बल दीजिए पिता परमेश्वर। आप उनकी शक्ति उन शक्तिहीनों को प्रभु एक नई सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी सच में प्रभु जो प्रभु अपने माइंड में फाइनेंशियली टेंशन लेकर प्रभु हारा हुआ है प्रभु जी, होने दे प्रभु उसकी उस टेंशन को दूर करके प्रभु आप उन्हें नई सामर्थ्य दें प्रभु। पिता परमेश्वर जो अपने जॉब को ढूंढते ढूंढते प्रभु जी वो शक्तिहीन हो चुके हैं प्रभु जी, वो निराश हो गए हैं, वो हताश हो गए हैं प्रभु, होने दे प्रभु जी हम उन लोगों के लिए तेरे नए बल को मांगते हैं, तेरी नई सामर्थ्य को मांगते, तेरे नए अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। पिता आप उन लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु सच में आप महान हैं, आपके इस जीवित वचन को आप उन लोगों के जीवन में पूरा कीजिए। आज दिन के समय हम उन लोगों के लिए वचन को अनाउंस करते हैं प्रभु, हम उनके जीवन के लिए ये जीवित वचन को बोलते हैं प्रभु, क्योंकि तू वचन है पिता परमेश्वर, और तेरा वचन प्रभु पिता कार्य करने वाला जीवित और सामर्थ्य है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम उन लोगों के लिए प्रभु कि सच पिता आपने उन लोगों को प्रभु जो बलहीन है उन्हें बल दे दिया प्रभु, जो शक्तिहीन है प्रभु उन्हें आपने अपनी सामर्थ्य से भरा है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज दिन के समय परमेश्वर कि प्रभु जो प्रार्थना मैंने आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु मांगी है परमेश्वर, आपने उन लोगों के जीवनों में पूरा कर दिया है यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।